अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कैसे हैं जी। स्टूडेंट्स, हम थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। तो थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज हम जो है सिमेट्रिक फंक्शन को डिस्कस करते हैं कि सिमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। यानी हमारे पास आज जो टॉपिक डिस्कस करने के लिए है वो है सिमेट्रिक फंक्शन। सिमेट्रिक फंक्शन जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है, ये एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें उस इक्वेशन के रूट्स जो है वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, यानी यूज हो रहे होते हैं। जैसे हम जो है वो लास्ट एक्सरसाइज में, यानी लास्ट लेक्चर में हम यूज करते रहे कि अल्फा बीटा जो है वो क्या है, वो किसी भी कोई भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही थी तो हम क्या कह रहे थे कि ये दोनों उसके रूट्स हैं, आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी जब हम बात करते हैं अल्फा बीटा, अल्फा बीटा हमारे पास दो रूट्स हैं, तो दोनों रूट्स यानी अल्फा और बीटा जो है ये दो रूट हैं, तो दो रूट हमेशा जो है वो क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अलावा किसी भी इक्वेशन के जो है वो दो रूट नहीं होते। मतलब लीनियर हुई तो लीनियर का एक रूट होगा, अगर ट्राइक्वाड्रेटिक हुई तो फिर उसमें यानी थ्री पावर वाली आ गई तो उसके तीन रूट। जितनी किसी भी इक्वेशन की डिग्री होती है उतने ही उस इक्वेशन के रूट्स होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो हमारे पास दो रूट्स हैं। अब इन दो रूट्स को लेके हमने क्या करना है, एक ऐसा फंक्शन लेना है कि जिसमें हम रूट्स की वैल्यू को इंटरचेंज कर दें। यानी अगर हमारे पास फंक्शन आ रहा है एफ ऑफ अल्फा बीटा की फॉर्म में, और अगर हम उसको कर दें एफ ऑफ बीटा अल्फा, तो उस फंक्शन में कोई भी चेंज ना आए तो हम ऐसी फंक्शंस या ऐसी इक्वेशंस या ऐसे फंक्शंस का हम नाम देते हैं सिमेट्रिक फंक्शंस का। यानी हमने क्या कर दिया, रूट्स को इंटरचेंज किया, ये नहीं कि हमने टोटल रूट इंटरचेंज कर देना, यानी अल्फा को बीटा बना देना है और बीटा को अल्फा बना देने से हमारा जो फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा। तो इस तरह के फंक्शंस को हम नाम देंगे सिमेट्रिक फंक्शंस का। तो अभी हम जो है वो सिमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन करते हैं, यानी उसकी डेफिनेशन जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रॉपरली जो है वो करते हैं कि ये सिमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। सिमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन है कि ये ऐसे फंक्शंस हैं, द फंक्शंस द फंक्शंस विच आर ये विच रिमेन अनचेंज्ड। अनचेंज्ड की रिप्लेसमेंट में यानी इसकी बजाय हम अनअल्टर्ड भी लगा सकते हैं, अनचेंज्ड और अनअल्टर्ड व्हेन रूट्स आर इंटरचेंज यानी द फंक्शंस विच रिमेन अनचेंज्ड, डी भी लगाते हैं अनचेंज्ड कर देते हैं, आर अनअल्टर्ड, यानी दोनों में से हम कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, व्हेन रूट्स आर इंटरचेंज्ड आर कॉल्ड सिमेट्रिक फंक्शंस। आगे हम उसको ऐसे बयान कर सकते हैं जैसे मैंने ऊपर लिखा कि एफ ऑफ अल्फा बीटा, अगर हमारे पास एफ ऑफ अल्फा बीटा जो है ये हम कर दें एफ ऑफ बीटा अल्फा, तो दोनों में कोई भी चेंज ना आए तो फिर हम उस फंक्शन को सिमेट्रिक फंक्शन का नाम देते हैं। अब हम एक एज एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ अल्फा बीटा वो हमारे पास इस तरह से आ जाता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अगर हम उसी फंक्शन को कर दें एफ ऑफ
बीटा अल्फा, तो ये फंक्शन हमारा बन जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। तो अब यहां से देखिएगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर या बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो सो हम ये भी कह सकते हैं कैफ ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ बीटा अल्फा। किस बेस पे कह रहे हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, ये दोनों क्या होते हैं, ये सेम होते हैं यानी ये इक्वल होते हैं। तो इस बिहाफ पे हम ये भी कह सकते हैं एफ ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ बीटा अल्फा, ये दोनों क्या होते हैं, ये सेम होते हैं। तो ये हमारे पास इस टाइप के फंक्शन जो हैं ये सिमेट्रिक फंक्शन आएंगे। अभी हम सिमेट्रिक फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें डिफरेंट रूट्स को न्यूमेरिकल वैल्यूज दे के प्रूव करते हैं क्या वाकई ऐसा होगा या फिर नहीं होगा। तो अभी हम जो है वो उसको चेक करते हैं। ये सिमेट्रिक फंक्शन के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें हमारे पास है कि ए का हमारा फंक्शन जो है एफ ऑफ अल्फा बीटा, और वो हमारे पास है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस थ्री अल्फा बीटा। अब हम क्या कर देते हैं, फर्स्ट में हम जो है वो ये कर देते हैं कि अल्फा निलेट कर लेते हैं कि अल्फा हमारे पास टू है और बीटा हमारे पास जो है वो थ्री ले लेते हैं। इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम चेक करके देखते हैं। अब हमारे पास क्या बनेगा, एफ ऑफ अल्फा टू है, टू कॉमा थ्री की फॉर्म में आ जाएगा। अब अल्फा बीटा था तो टू थ्री यानी अल्फा की वैल्यू टू है, तो ये बन जाएगा टू का क्यूब प्लस बीटा थ्री है, ये आ जाएगा थ्री का क्यूब प्लस थ्री इंटू टू इंटू थ्री, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे हमने पुटिंग कर दी। अब हमारे पास 2 का क्यूब जो है वो 8 बन जाएगा, 3 का क्यूब लेंगे तो ये 27 आ जाएगा प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 18। अब इन तीनों को हम जो है वो प्लस, तीनों प्लस हो रहे हैं, तीन को ऐड कर देते हैं और ऐड करने पे हमें रिजल्ट मिलेगा 8 को 27 में प्लस करेंगे तो 35, 35 को 18 में प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा यानी 35 18, ये बन गया 3 और इधर आ जाएगा 1 1 3 4 5, ये बन जाएगा 53। अभी ये हमारे पास वैल्यू आ रही है एफ ऑफ 2 3 यानी अल्फा बीटा की फॉर्म में आ रही है। अब है कि इफ वी रिप्लेस या वो इंटरचेंज, यानी अगर हमारे पास अल्फा जो है वो 3 हो जाए और बीटा जो है वो हमारे पास क्या आ जाए 2 आ जाए, तो फिर देखते हैं कि फिर हमारा रिजल्ट क्या बनेगा। तो अभी हम उस फंक्शन में पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ 3 कॉमा 2, और अब अल्फा कितना है 3, 3 का क्यूब प्लस बीटा, बीटा हमारे पास 2 आ रहा है तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू अल्फा 3 आ जाएगा और बीटा हमारे पास आ गया 2। अभी हम जो है इसको रिजल्ट को देखते हैं, 3 का क्यूब लेंगे तो 27 प्लस 2 का क्यूब लेंगे 8 प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। देखिए वही वाली टर्म्स, अब अगर इसको हम जो है जब प्लस माइनस करेंगे इन्हें इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 53 आ रहा है। अब देखिए हमने क्या किया, फर्स्ट वाले को सेकेंड बनाया, सेकेंड वाले को फर्स्ट बनाया, यानी दोनों रूट्स को हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज किया। इंटरचेंज करने के बाद हमें जो है वो रिजल्ट क्या मिल रहा है, सेम यानी क्या आ रहा है हमारे पास, एफ ऑफ 2 कॉमा 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 कॉमा 2। तो इससे पता चल रहा है कि ये हमारा फंक्शन जो है ये क्या है, ये सिमेट्रिक फंक्शन है। तो इस सिमेट्रिक फंक्शन को हमने जो है वो प्रूव किया, यानी ऐसा फंक्शन जिसमें हमने रूट जो है वो लिए, पुटिंग करने के बाद फिर हमने उन रूट्स को चेंज किया, चेंज करने पे हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है। तो इन फंक्शन को हम नाम दे रहे हैं सिमेट्रिक
फंक्शन का। ये स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में हमने सिमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन किया, इन्हें उसमें हमने उसकी डेफिनेशन और उसके कंसेप्ट को क्लियर किया, और उसके बाद हमने उससे रिलेटेड एक एग्जांपल लेके उसको प्रूव भी कर दिया कि इस टाइप के फंक्शन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सिमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह।